92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आज सुन रहे हैं आप शहर कार्यक्रम। शहर कार्यक्रम में आज लेके आया हूँ और इस शहर कार्यक्रम में प्रयास ये है कि कुछ नई बातें हों, कुछ सुंदर बातें हों और कुछ आत्मा को तृप्त करने वाली बातें हों। श्रावण मास चल रहा है, आज तीसरा दिन है और आज हम पूजन में बैठते हैं, विट्ठल की पूजा करते हैं, जो विष्णु और कृष्ण के अवतार हैं, विट्ठल उनकी पूजा की जाती है। तो लीजिए सबसे पहले सुनिए एक कबीरदास जी का सुंदर दोहा। प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसे चंद चकोर, प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसे चंद चकोर, घींच टूट भुव में गिरे चितवे वाही ओर हो, घींच टूट भुव में गिरे चितवे वाही ओर। प्रेम हो तो ऐसा हो, अटूट प्रेम जो होता है जैसे चकोर और चंद्रमा का है। चकोर चंद्रमा की ओर देखता ही रहता है, देखता ही रहता है, देखता ही रहता है, चाहे उसकी गर्दन टूट कर पृथ्वी पर न गिर पड़े, लेकिन उसका प्रेम ऐसा है कि वो फिर भी देखता रहता है चंद्र की ओर। भक्त ईश्वर के प्रति इस प्रकार समर्पित होना चाहिए कि उसको किसी प्रकार की चिंता न हो, बस एक ही हो कि मैं अपने ईश्वर को देखता रहूं और वो मेरा मार्गदर्शन करते रहे। और आज के शहर कार्यक्रम में अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसे स्थान पर जो स्थान बहुत पवित्र है और उस स्थान पर जाकर लोगों को बड़ी ही तृप्ति मिलती है। आज आपको लेके चलूंगा कोडुंगलोर भगवती मंदिर। जी हाँ, नाम फिर से सुनाता हूँ, कोडुंगलोर भगवती मंदिर केरला में है और थिसूर डिस्ट्रिक्ट में है। तो सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ केरला के थिसूर डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर है, कोंडुगालोर भगवती मंदिर। जी हाँ, ये जो मंदिर है ये भद्रकाली का मंदिर है। कोची से कुछ 19 किलोमीटर दूर ये मंदिर है और इनकी जो प्रतिमा है उसके 8 हाथ है, 7 फीट ऊंची है और इसमें लकड़ी की बड़ी सुंदर नक्काशी की गई है। हर हाथ में एक अलग अलग शस्त्र है। विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम ने इसका निर्माण किया था ऐसा कहा जाता है। परशुराम ने जब केरला का निर्माण किया तो वहाँ एक राक्षस था जिसका नाम था दारुका, जो उन्हें बहुत तंग करता था उनके इस कार्य में। परशुराम ने भगवान शिव की आराधना की, उनसे कहा कि इस राक्षस दारुका से मुझे मुक्त कराइए, ये बहुत तंग कर रहा है। भगवान शंकर ने कहा कि यहाँ पर एक मंदिर बनाया जाए और वो भद्रकाली की मूर्ति वहाँ स्थापित की जाए। वैसा ही हुआ, वहाँ वो मंदिर बना और ऐसा कहा जाता है कि भद्रकाली ने ही उस राक्षस दारुका का वध किया। करीब 10 एकड़ के स्थान पर ये मंदिर बना हुआ है, आसपास बहुत से पेड़ हैं, बड़ी हरियाली है, देखने लायक है ये मंदिर। वहीं पर 50 मीटर दूर एक नदी है जिसका नाम है पुष्करणी नदी। ऐसा कहा जाता है कि भद्रकाली ने ही अपने एक शस्त्र से उस जमीन पर इतनी जोर से मारा था कि वहां पर ये नदी बन गई पुष्करणी नदी। जो भी भक्त वहां आते हैं पहले इस नदी में नहाते हैं और उसके बाद पूजन करते हैं। माता सबका कल्याण करती है। आपको कभी अवसर मिले तो जरूर जाएं केरला में थिसूर डिस्ट्रिक्ट पर, जहां कोंडुगालोर भगवती मंदिर के नाम से प्रसिद्ध इस स्थान के दर्शन करें और माता की कृपा पाएं, आशीर्वाद पाएं, वरदान पाएं। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।
92.7 बिग एफएम पे अभी आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। और अब मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ, देखिए उस भजन में हमें ऐसा क्या मिलता है जो हमें पसंद आए और हम अपने जीवन को और सुंदर बनाए। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। भक्त भगवान से कह रहा है कि मेरे जो अवगुण हैं उन पर तुम ध्यान ना दो, क्योंकि तुमने तो अपने को ऐसा बनाया हुआ है कि तुम सबको एक समान समझते हो, समदर्शी समझते हो। तुम तो वो पारस हो कि लोहा किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो किसी मंदे का हो और चाहे वो किसी बधिक के घर में पड़ा हो, कसाई के घर में पड़ा हो। तुम तो किसी लोहे को छुओगे तो वो तो पारस बन ही जाएगा, वो तो सोना बन ही जाएगा। इसलिए कितना जरूरी है कि तुम मेरे भी अवगुणों को ध्यान में न रखो और मुझे भी उसी प्रकार अपने में सम्मिलित कर लो, समाहित कर लो। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। और अब मैं आपको सुनाऊंगा गाना एक बहुत अच्छे गायक का जिन्होंने शास्त्रीय संगीत भी बहुत मन से सीखा है। आपका नाम है कपिल और लुधियाना के रहने वाले हैं, पंजाब के। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको कपिल से मिलाऊंगा। कपिल बहुत अच्छा गाते हैं और शास्त्रीय संगीत सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। लुधियाना पंजाब में रहते हैं, मैं भी पंजाब का हूं इसलिए मेरा इनसे बड़ा प्रेम है। तो कपिल जी जरा बताएं कि ये संगीत का रोग कैसे लग गया? गुरु जी, संगीत का जो रोग है ये तो वैसे जन्म जात ही होता है, मेरा ऐसा मानना है। ये लग के ही आता है ऊपर से, और जो लगा होता है वो एकदम और बढ़ जाता है जब आप जैसे लोग, आप जैसे गुणी जन आप सुनने को मिलते हैं। और लगता है कि आप छोटे से इतने पंजाब से, आपने कहाँ कहाँ, लखनऊ में आपने कहाँ कहाँ अपनी पढ़ाई की, रियाज किया और इतनी यात्रा की संगीत को लेके, तो आप जैसे गुणी जनों को देख के, और अप्पा जी मेरी गुरु महाश्रीमती गिरजा देवी जी, तो शुरू से ही उनको मैं आदर्श मानता आया हूँ। मुझे पता है आपके ऊपर गिरजा देवी जी का बहुत बहुत आशीर्वाद है। जी जी। तो आज जी, हमारे श्रोताओं को आप क्या सुनाने वाले हैं कपिल जी? वैसे तो गुरु जी आपके सामने गाना तो लोहे के चने चबाना। अरे आज तो मतलब लाखों लोग सुन रहे हैं आपको इस शहर कार्यक्रम में, आपको सुनाइए बढ़िया भजन। पर जब गुरु जी आज्ञा कर रहे हैं आप, तो मैं जरूर, मैं दो लाइनें गुरु जी, एक भैरवी का एक भजन है भगवान शंकर का, बहुत अच्छा, सावन का महीना है, तो मैं दो लाइनें। सही समय है, बिल्कुल सही समय जी। बिन शंकर कोई नहीं मेरा, तुम बिन शंकर कोई नहीं मेरा, तुम बिन शंकर मोको नाथ जान निज सेवक, निज पुर देहु बसेरा रे, तुम बिन शंकर
कपिल जी, आपकी आवाज में जो भक्ति है और जो शास्त्रीय राग का जो इतना सुंदर प्रयोग है वो सुन के मजा आ गया। आप जीते रहिए और खूब नाम करिए संसार में। बहुत बहुत प्रणाम गुरु। 92.7 बिग FM पे अभी आप सुन रहे थे कपिल जी को, जो लुधियाना के रहने वाले हैं और कितना अच्छा गाते हैं ये भी आपने सुना। और ये गाते भी हैं, सिखाते भी हैं, बस यही तो संगीत का आदान प्रदान है। तो कल फिर मिलेंगे, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कल कोशिश करेंगे कि कल का दिन भी आपका सुंदर बनाएं। तब तक के लिए अनूप जलोटा को आज्ञा दीजिए, नमस्कार। सुनते रहिए सहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM।